सो हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिसेप मेडिसिन। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मेथार्जिन इंजेक्शन के बारे में। इसके क्या यूज रहेंगे, क्या इसके डिटेल रहेंगे, क्या इसके यूज रहेंगे और क्या इसके डोज होना चाहिए और क्या इसको लेने के बाद क्या साइड इफेक्ट होता है, इसको देने के बाद क्या साइड इफेक्ट उसके थे, इसके बारे में जानने वाले हैं। साथ ही अब किस पेशेंट को दिया जाता है, कब दिया जाता है और किस बीमारी में काम आता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिटेल ऑफ मेथार्जिन इंजेक्शन। इसके क्या डिटेल होंगे, इसके क्या प्रॉपर्टीज होंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें जो मेन कंपोजिशन पाया जाता है वो मेथाइल एर्गोमेटिन पाया जाता है, मेथाइल एर्गोमेटिन पाया जाता है। अब ये क्या होते हैं, तो ये जो होते हैं ये एर्गोट एल्कलॉइड्स दवाओं के कैटेगरी में आते हैं। अब ये क्या होते हैं, ये दवाइयाँ एंटीकॉगुलेंट मेडिसिन होती है, अब एंटीकॉगुलेंट मेडिसिन वे मेडिसिन होते हैं जो कि ब्लड को थक्का नहीं बनने देते, ब्लड क्लॉट नहीं होने देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यह जो है टैबलेट और इंजेक्शन दोनों ही फॉर्म में आता है, ये इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है और टैबलेट फॉर्म में आता है। अतः आप इस मेडिसिन को इंजेक्शन के रूप में भी ले सकते हैं और टैबलेट के रूप में भी ले सकते हैं। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंजेक्शन के बारे में। तो इसे IV और IM दोनों ही रूपों में दिया जा सकता है, इसे इंट्रावीनस भी दिया जा सकता है और इंट्रामस्कुलर भी दिया जा सकता है। लेकिन इसे जनरली IV ही देना चाहिए और लेकिन बहुत ही स्लो देना चाहिए, IV देना चाहिए तो बहुत ही स्लो देना चाहिए। सो नेक्स्ट, यूज एंड डोज ऑफ मेथार्जिन इंजेक्शन। इसके क्या यूज और डोज हो सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करने वाले। इस ड्रग का उपयोग, पहले इसके क्वेश्चन तो समझ लेते हैं। सो इट कैन बी यूज IM और IV बट मस्ट बी डाइल्यूटेड IV यूज। यानी इसका मतलब हुआ इसे IV भी दिया जा सकता है और IM भी दिया जा सकता है, लेकिन इसे जनरली क्या देना चाहिए, IV देना चाहिए, इंट्रावीनस ही देना चाहिए। इसके यूज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इट यूज टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल यूटराइन ब्लड ब्लीडिंग आफ्टर चाइल्ड बर्थ। यानी इसका मतलब क्या हुआ, बच्चे के जन्म के होने के बाद गर्भाशय से रक्तस्राव को रोकने के लिए, उसे नियंत्रित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है, टू स्टॉप अबॉर्शन ब्लीडिंग आफ्टर प्रेगनेंसी मिसकैरेज। इसका मतलब हुआ गर्भाशय में गर्भपात होने के बाद रक्तस्राव को रोकने के लिए इसका यूज किया जाता है। जनरली ब्लड को रोकने के लिए इसका यूज किया जाता है, ब्लीडिंग को रोकना, इस मेडिसिन का काम है ब्लीडिंग को रोकना। सो नेक्स्ट, इस मेडिसिन के डोज के बारे में डिस्कस करते हैं, उसकी कितनी मात्रा में लेनी चाहिए। तो दिस इंजेक्शन ओनली फॉर अडल्ट्स। जनरल स्वाभाविक से बात है, ये मेडिसिन केवल अडल्ट्स के लिए होता है। तो 0.2 mg/ml के हिसाब से इसमें एक एम्पुल में कंटेंट्स रहता है जो कि 1 ampoule में आता है, उसे 2 से 4 घंटे पे दिया जा सकता है। और वो जो एम्पुल होता है वह सिर्फ सिंगल यूज के लिए होता है, उसे दोबारा यूज नहीं करना होता है एक एम्पुल को। क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो साइड इसके क्या दुष्प्रभाव होंगे, तो मुंह सूखना, आपको है मुंह सूखने जैसी समस्या देखने को मिल सकती है, सूखी आंखें, आँख जो है सूखा, ड्राई आइस जैसी समस्या देखने को मिल सकती है, और तेज धड़कन यानी सीने में फड़फड़ाहट है ना, घबराहट जैसी समस्या देखने को मिल सकती है, चेहरा, कान और गर्दन में गर्मी की भावना आपको अनुभव हो सकती है, साथ ही हल्का फुल्का पेट दर्द भी हो सकता है, और नोजिया और वोमिटिंग यानी उल्टी और मछली जैसी जी घबराना जैसी समस्या देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार के मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन की जानकारी आपको मिल जाए। जय भारत।